हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसे रंगीन पत्ती वाले पौधे को शेयर करने जा रही हूँ, जिसको कि अगर आप बालकनी में अपने गर्मियों में लगाते हैं तो आपको फूलों की कमी नहीं महसूस होने पाएगी। तो ये पौधा कौन सा है और किस तरीके से इसकी केयर करनी है तथा कौन सी इसको अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र देनी है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि आखिर इन पौधों की पत्तियां रंगीन क्यों होती हैं। तो फ्रेंड्स, जो रंगीन पत्तियों वाले पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल जिन पत्तियों में पाया जाता है वो पत्तियां हरी होती हैं। तो इनमें कलर पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि पत्तियों को रंगीन बनाते हैं। तो आइए चलिए आगे देखते हैं कि ये हमारा रंगीन पत्तियों वाला कौन सा पौधा है। तो फ्रेंड्स, सामने आप जो ये पौधा बेहद ही खूबसूरत रंगीन पत्तियों वाला देख रहे हैं, और इस पौधे का नाम है लोरोपेलम। इस पौधे का नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इस वजह से इस पौधे को लेना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन नर्सरी में पत्तियों से देखकर इस पौधे को बहुत आसानी से लिया जा सकता है। और दोस्तों, इस पर गुलाबी रंग के फूल भी आते हैं अप्रैल के महीने में। पत्तियां इसकी ग्रीन और मैरून दो कलर की मिक्स होती हैं। इस पौधे की बहुत कम देखभाल करनी पड़ती है। अगर ये पौधा दोस्तों ज़मीन में लगा हुआ होता है तो ये पौधा झाड़ की तरीके से फैल जाता है, और अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो 8 से 10 इंच के गमले में ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। इस पौधे की ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। महीने में सिर्फ आपको एक बार इस पौधे को कोई ऐसी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी होती है, जिससे कि पौधा अपनी ग्रोथ को आगे चालू रखे। मिट्टी थोड़ी सी इसको सॉफ्ट पसंद होती है, और ये आउटडोर पौधा होता है, लेकिन गर्मियों में सुबह की इसको सिर्फ 2 से 3 घंटे की ही धूप दिखानी होती है। तो दोस्तों, आप लोग भी लगाना अगर चाहते हैं इस पौधे को, तो ये बेहद खूबसूरत पौधे को आप नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। लगभग हर अच्छी नर्सरी पे ये पौधा मिल जाता है, और अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो 60 रुपये से 100 रुपये के बीच में नर्सरी वाइज ये पौधा मीडियम साइज का काफ़ी आसानी से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।